हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी बच्चों का A1 कॉमर्स क्लासेस में। और हम लोग आज क्लास 11 का डेमो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग क्लास को अच्छे से कीजिएगा और आप लोगों का समझिए तो आज एक नया चीज आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। इससे पहले हम आप लोगों को सिलेबस तो बता चुके थे, थोड़ा लेट हो गई वीडियो डालने में क्योंकि 12th का क्लास रेगुलर चल रहा था इधर, इसी कारण से हमको थोड़ा 11th का वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो 11th का बैच भी आज से स्टार्ट हो रहा है, समय है 4 से 5। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप 11th का क्लास पेड कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों का 3 वीडियो डेमो क्लास का होगा जो कि आप देख सकते हैं आसानी से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, एकदम आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सभी के पास ये वीडियो जा सके और वो आसानी से देख सकें। ठीक है, आप लोग इस क्लास को अच्छे से कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग अब क्लास करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स की क्लास, और अकाउंट्स में आज हम लोग का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे, मैथ पढ़ते थे, जैसा कि मैंने सिलेबस वाले वीडियो में बताया था, तो उसमें मैथ पढ़ने के क्रम में 1, 2, 3, 4 सीखते थे। 1 से लेके नंबर जो रहता था वो नहीं जानते अगर, तो मैथ को नहीं सीख पाते आज। उसी तरह से आज हम लोग का अकाउंट्स का आज अब फर्स्ट क्लास है, तो अकाउंट्स में हम लोग एक बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हर जगह वो यूज होगा, वो चैप्टर का हर जगह काम है। इसका मतलब यह हुआ, ये चैप्टर अगर नहीं पढ़ते हैं तो इस चैप्टर अगर नहीं पढ़ने से हम लोगों को अकाउंट्स कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हम लोगों का जनरल चैप्टर है, 11th क्लास का हम लोग न्यूमेरिकल चैप्टर में अभी हम लोग हैं और चैप्टर का नाम है जनरल। जनरल क्या होता है? जनरल एक बुक होता है। जनरल एक बुक होता है, कौन सा बुक होता है? तो एक सब्सिडरी बुक होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पर एंट्री होता है। आप लोगों को हम बताए थे, जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन जो करते हैं तो ट्रांजेक्शन को कोई ना कोई बुक में दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग लिखते हैं उसको, तो एक बुक में जो दिखाते हैं उसी को जनरल कहा जाता है। इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है इसको हम लोग समझेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को क्या क्यों, मतलब कि ये ऑर्डर क्या होता है। तो जनरल जो होता है, जनरल में जो ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन वो आप लोगों को डेट वाइज लिखना होता है, डेट वाइज लिखना होता है। डेट वाइज लिखने का अर्थ यह है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन को बुक में लिखते हैं, जैसे 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ, 1 जनवरी को हुआ, उसके बाद 5 जनवरी को हुआ, उसके बाद 10 जनवरी को हुआ, इस तरह से हुआ ना। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये हुआ, पहले 1 जनवरी के ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, फिर 5 जनवरी के, फिर 10 जनवरी के। बात समझ में आ रहा है? एक सीरियल वाइज एक तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनरल इज अ सब्सिडरी बुक, दैट मीन्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं जनरल का फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट क्या होता है, जनरल का फॉर्मेट कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। जनरल के फॉर्मेट को देखेंगे अब हम लोग। फॉर्मेट ऑफ जनरल, जनरल जनरल के जो फॉर्मेट होता है उसमें कितना कॉलम होता है? टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। कोई भी पूछेगा यहाँ पे कॉलम्स एस हो जाएगा, तो कितने कॉलम, कोई भी पूछेगा जनरल के फॉर्मेट में कितने कॉलम्स होते हैं, तो 5 कॉलम्स होते हैं। तो देखिए, 1st कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, 4th, 5th, है ना, तो 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहला कॉलम का नाम डेट होता है। डेट क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन करते हैं कोई ना कोई डेट को करते हैं। ट्रांजेक्शन करने जो भी लेन देन होती है,
लेन देन जो हम लोग करते हैं वो कोई ना कोई डेट को होती है, तो उसी को फर्स्ट कॉलम का नाम डेट हो गया। दूसरा कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब यह होता है, उसको हिंदी में विवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवरण, जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं लिख सकते हैं विवरण। और इसका अर्थ यह होता है, ये पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड जो करते हैं हम लोग, उसको फॉर्मेट में टू नंबर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है थ्री नंबर कॉलम। थ्री नंबर कॉलम में हम लोग का आता है LF। LF का फुल फॉर्म होता है, जो कि नीचे हम लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने हम बता देते हैं, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, ये थ्री नंबर कॉलम की बात आती है। अब यहाँ पे देखिए, अमाउंट का दो कॉलम है। ये अमाउंट का दो कॉलम का मतलब, ये दो कॉलम क्यों होता है, तो इसके लिए आप लोगों को समझना होगा अच्छे से। जैसे मान लेते हैं ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, जैसे सपोज डट लीजिए ये एक दुकानदार है, ये व्यक्ति एक दुकानदार है और ये एक कस्टमर है। कस्टमर है, इसके पास जाएगा कुछ गुड्स लेना है, उसको सामान लेना है, तो इसको तो गुड्स ये दे देगा, तो गुड्स इसको मिलेगा, लेकिन उसके बदले में ये क्या देगा उसको? कैश देगा। तो देखिए लेन देन हो रहा है, दो दो आदमी के बीच में हो रहा है ना, तो दो आदमी के बीच में लेन देन हो रहा है, इसीलिए अमाउंट का कॉलम कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो डेबिट होता है, ये DR और CR जो है, फर्स्ट कॉलम चौथे नंबर कॉलम का नाम हो जाता है DR, और फिफ्थ नंबर कॉलम का नाम हो जाता है CR। तो DR और ये CR क्या है, इसको अब हम लोग समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले, ये टू नंबर कॉलम में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, टू नंबर कॉलम में जैसे यहाँ पे देखिएगा थोड़ा आप लोग, कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड जो करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे उसका बिंग लिख करके उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा जाता है। ये बिंग लिखने का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं, ब्रीफ समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉन एज नरेशन। मतलब यह हुआ, इसका जो ब्रीफ समरी होता है, ब्रीफ एक समरी लिखेंगे, उसी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। LF का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो DR और CR है, DR और CR को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग को एकदम धैर्यपूर्वक अच्छे से वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोगों को जनरल में कभी भी, जीवन में कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए, पॉस्ट कर करके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और आप लोगों को एकदम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये चैप्टर में। चलिए अब आते हैं DR और CR को देखते हैं। देखिए DR का मतलब होता है डेबिट और CR का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम बता दिए, डेबिट और क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और था यहाँ पे कि जो कॉलम LF है, LF का कोई यूज नहीं है, इसलिए हमने कुछ नहीं बताया यहाँ पे। LF का कोई यूज नहीं, बस ये कॉलम बनता है, छोटा सा कॉलम होता है, बस बना दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। इसमें तो डेट लिखना है, इसमें रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट, इसमें इस कॉलम का कोई यूज नहीं है। अब आते हैं इस डेबिट और क्रेडिट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझने के लिए हम लोग को दो टाइप का अप्रोच को समझना होगा, एक ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। देखिएगा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब जो चल रहा है पहले से, और एक मॉडर्न मतलब जो अभी अभी जो एक मॉडर्न के रूप में निकला है। तो दो तरह से हम लोग डेबिट और क्रेडिट को समझ सकते हैं। आप लोग जब भी बैंक जाते होंगे तो आप लोग डेबिट क्रेडिट के बारे में हमेशा सुनते होंगे, कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होती है, ये सब सारी बातें आप लोगों को सुनने में आता होगा, है ना। तो अब ये डेबिट और क्रेडिट को हम लोग ये दो मेथड से समझेंगे, एक तरह से ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दोनों मेथड से अलग अलग रूप में समझेंगे। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे, उसके बाद मॉडर्न मेथड से हम लोग डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल में देखते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखिएगा कि
ट्रेडिशनल अप्रोच को दो पार्ट में बांट दिया गया है, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच को दो पार्ट में बांट दिया गया है। अब इसमें हम लोग जो डेबिट और क्रेडिट को ट्रेडिशनल अप्रोच में समझते हैं वो अकाउंट के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं? अकाउंट के द्वारा। तो पहले हम लोग अकाउंट को जानेंगे, कौन कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट आता है, उस अकाउंट के व्यू से हम लोगों को जानना होता है कि डेबिट क्रेडिट का क्या काम होता है। अकाउंट देखिएगा, अकाउंट को आप बोल सकते हैं वहां पे कि गोल्डन रूल, एक तरह से एक ट्रेडिशनल अप्रोच को बोल सकते हैं। गोल्डन रूल के अनुसार हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, तो गोल्डन रूल के अनुसार हम लोग सीखेंगे। तो अब देखिएगा, सबसे पहला जो हम लोगों का इसका ट्रेडिशनल का जो है, पहला है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल को दो पार्ट में बांट दिया गया है, रियल और नॉमिनल। आप लोग ट्रेडिशनल में अभी तक में पढ़े होंगे, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एक्चुअली ये जो आया है ट्रेडिशनल का, पर्सनल तो एक अलग सिंगल होता है, एक इम्पर्सनल के अंतर्गत आता है रियल और नॉमिनल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी तीन हो गए, एक पर्सनल, एक दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। तो तीन अकाउंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये पर्सनल होता क्या है इसको समझेंगे, ये पर्सनल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता क्या उसको समझेंगे। देखिए पर्सनल में हम लोगों को तीन चीज जानना है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को जानना है। सबसे पहला बात, हम लोग नेचुरल को जानेंगे। देखिए पर्सनल, पर्सनल का मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे बात। तो नेचुरल का मतलब क्या हुआ, जैसे अकाउंट की बात की जाए, जैसे राम्स अकाउंट, सोहंस अकाउंट, राम का जैसे अकाउंट होता है, राम्स अकाउंट हुआ, श्याम अकाउंट, कोई भी नाम का, कोई भी व्यक्ति का अगर अकाउंट, क्योंकि वो नेचुरल है, प्रकृति का दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे देखिए हम सैम्बल भी दिए हैं, एक आदमी का फोटो दिए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यह जो आदमी है, कोई भी अगर नेचुरल, कोई भी मैंस, कोई भी मनुष्य का अगर अकाउंट होगा तो वह नेचुरल अकाउंट कहलाएगा। समझ में आ रही है बात, पर्सनल में नेचुरल को आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में देखिएगा, हम एक कंपनी बनाए हैं, सीओ का मतलब होता है कंपनी, COMPANY कंपनी। तो कंपनी बनाए हैं, मतलब जैसे फर्म्स का अकाउंट जो होता है, जैसे कि कोई भी फर्म हो, कोई भी फर्म का जो अकाउंट होता है वो आर्टिफिशियल होता है। और रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा इसको वेट कीजिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे। अब आते हैं हम लोग इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल को दो पार्ट में बांट दिया गया, रियल और नॉमिनल। सबसे पहले रियल को जानेंगे हम लोग। रियल में देखिएगा आप लोग, रियल को अच्छे से समझिएगा, रियल को क्या है, इस पार्ट को समझना है। लिखा हुआ है ऑल एसेट्स मशीनरी एंड गुडविल इटीसी। ध्यान दीजिएगा, ऑल एसेट्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो इसमें जितना भी एसेट्स होता है, सारा का सारा, टेंजिबल इनटेंजिबल जितना भी एसेट्स आता है, सारा का सारा एसेट्स इसमें आता है, ठीक है। तो मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया, लैंड हो गया, ये मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब सारा का सारा आएगा। लेकिन यहाँ पे दो एसेट्स को छोड़ करके, दो एसेट्स कौन कौन छोड़ करके, सबसे पहला है बैंक और दूसरा है डेटर। ये बैंक और डेटर को हम लोग बाद में अच्छे से समझेंगे, इसको रियल अकाउंट में नहीं रखा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में लिखा हुआ ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को नॉमिनल, जितना भी खर्च होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च। जितना भी खर्च होता है, रेवेन्यू का मतलब जो भी इनकम होगा, वो सारा का सारा हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। जैसे सेल्स हो गया, रेंट रिसीव हो गया, सैलरी पेड हो गया, सैलरी पेड एक्सपेंस हुआ है ना, सेल्स हुआ मेरा रेवेन्यू, रेंट रिसीव हो गया रेवेन्यू, कमीशन रिसीव हो गया वो भी रेवेन्यू हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है।
तो आप लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच, आप लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच में जो तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और हम लोगों का तीसरा हो गया हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट, ये आप लोगों को क्या होता है इस अकाउंट के अंतर्गत ये समझ गया। अभी तक डेबिट क्रेडिट को हम लोगों हम नहीं बताएं, अभी तक में हम डेबिट क्रेडिट को नहीं बताएं, डेबिट क्रेडिट को बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको अकाउंट को अच्छे से समझना होगा। कोई पूछ देगा पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो बोल सकते हैं राम्स अकाउंट डेट मीन्स पर्सनल अकाउंट, फर्म्स अकाउंट कोई भी फर्म होगा अकाउंट उसका पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल में भी कौन सा होगा फर्म्स का, तो बोलिएगा आर्टिफिशियल होगा, राम्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा तो नेचुरल होगा। अब आते हैं लास्ट में, देखिएगा आप लोग को रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सनल को हम लोग छोड़ दिए थे, जैसे यहाँ पे सैलरी है, सपोज डेट लीजिए सैलरी है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, बताए थे एक्सपेंस है सैलरी, सैलरी पेड एक एक्सपेंस है। तो अब देखिएगा सैलरी कभी कभी क्या होता है बकाया रह जाता है, बकाया का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जब बकाया हो जाए या एडवांस हो जाए कुछ ऐसा कुछ कोई भी चीज़ इन रेवेन्यू या एक्सपेंस, तो उसको कहाँ रख दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में रख दिया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट बोलेंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में रखेंगे, रेंट रेंट ड्यू भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में रखेंगे, कमीशन रिसीव इन एडवांस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में इसको भी रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न अप्रोच को समझेंगे, सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच को, मॉडर्न अप्रोच को अभी हम लोग डेबिट क्रेडिट को नहीं समझे हैं ट्रेडिशनल से, या अभी मॉडर्न से डेबिट क्रेडिट को नहीं समझे, अभी पहले मॉडर्न मेथड को पूरा अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके डेबिट क्रेडिट को समझेंगे अच्छे से। देखिएगा मॉडर्न अप्रोच में आप लोगों को डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए क्लियर को याद रखना होगा, क्लियर CLEAR, क्लियर CLEAR, सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटीज, एक्स से एक्सपेंस, एसेट्स, आर से रेवेन्यू, अगर ये पांचों को आप याद रखते हैं तो आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मॉडर्न अप्रोच बोलता है और सही ही बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पांचों को अगर आप जान जाते हैं तो आपको डेबिट क्रेडिट में समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैपिटल का मतलब होता है प्रोप्राइटर अकाउंट, जैसे कोई भी बिजनेस अगर हम लोग करते हैं तो बिजनेस जो हम लोग करते हैं वो बिजनेस कौन करता है, तो उसका जो जो ऑनर होता है उसी को प्रोप्राइटर बोलते हैं, प्रोप्राइटर अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। जैसे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिटर, ये सब समझ में आएगा थोड़ा सा, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को लाइबिलिटीज के बारे में, लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो हिंदी मीडियम वाले वहां पे लिख लीजिएगा दायित्व। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, डेट मीन्स सैलरी अकाउंट, रेंट पेड, रेंट अकाउंट ये सब, रेंट रिसीव अकाउंट ये सब, एक्सपेंस नहीं होगा रेंट रिसीव, रेंट पेड अकाउंट एक्सपेंस होगा। एसेट्स का मतलब मशीनरी जो बताए थे आप लोगों को, और लास्ट में हम लोगों का रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब सेल्स अकाउंट, मतलब रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, आय, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर को समझना होगा ये पूरा, तब आप मॉडर्न अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट को समझ सकते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग देखेंगे डेबिट और क्रेडिट को देखेंगे, सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच से इससे पहले हम लोग देख लिए थे, तीनों अकाउंट को समझ चुके थे, मॉडर्न रूल के अनुसार भी देख लिए थे अकाउंट कैसे कैसे क्या करना है। अब हम लोग को डेबिट क्रेडिट के मीनिंग को समझना है कि डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है अकाउंट के व्यू से, पहले ट्रेडिशनल के व्यू से समझेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा ट्रेडिशनल अप्रोच में वो इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है इसको, इंग्लिश से लिया गया ये, इंग्लिश अप्रोच बोला जाता है इसको। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट का जो मीनिंग होता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का मतलब आप लोगों को पता होगा प्राप्त करना। तो जो अगर मान लेते हैं, समझिएगा दो व्यक्ति हैं, अगर ये जा करके इसके पास, ये दुकानदार है ये कस्टमर है, ये कस्टमर है ये दुकानदार है, यह जाएगा इसके पास और बोलेगा, ये जाएगा इसके पास और बोलेगा हमको 1 केजी चाय पत्ती दो, 1 केजी जब चाय पत्ती इसको ये देगा
तो इसका मतलब इसको चाय पत्ती रिसीव हुआ है ना, गुड्स इसको रिसीव हो गया गुड्स एक तरह से, और ये इसको कैश देगा। तो एक तरह से बोला जाए पर्सनल अकाउंट यह बताता है डेबिट द रिसीवर, अगर कोई भी चीज़ हम लोग प्राप्त करेंगे तो उसको डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट द गिवर, जो चीज़ हम लोग देंगे उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा अकाउंट हम लोग का रियल अकाउंट, जिसको बोलते हैं वास्तविक खाता। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स मतलब आना, जो मेरे पास आएगा उसको डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट का मतलब व्हाट गोज आउट मतलब जाना, जो मेरे पास से जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखेंगे नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। डेबिट में सभी खर्च को लिखेंगे और सभी लॉस को लिखेंगे डेबिट में, और क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग सभी इनकम को और सभी गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, गेन का मतलब प्रॉफिट, सभी प्रॉफिट को लिखेंगे। तो ये हम लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच से तीनों अकाउंट के द्वारा डेबिट और क्रेडिट को समझाया गया था। फिर से हम बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, पर्सनल अकाउंट में डेबिट का जो मीनिंग होता है डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट द गिवर, रिसीवर का मतलब प्राप्त करना और गिवर का मतलब देना है ना। व्हाट सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये हो गया ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और रियल अकाउंट में होता है डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन और क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉसेस, मतलब जितना भी खर्च होगा जितना भी हानि होगा सभी को डेबिट में दिखाएंगे, जितना भी खर्च और जितना भी हानि होगा डेबिट में दिखाएंगे, और जितना भी आय होगा इनकम होगा और जितना भी गेन होगा उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मॉडर्न अप्रोच से, अब हम लोग इसको सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच से, हम लोग इसको अब अच्छे से देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच में आप लोगों को बोले थे कि कैपिटल लायबिलिटीज पांच चीज आप लोगों को दिखाए थे हम, पांचों चीज को आप लोगों को ध्यान से देखिए। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा एरो लगा हुआ है एक दो और तीन ठो, और दो ठो इस टाइप से दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल लायबिलिटीज और रेवेन्यू ये तीनों जो है एक तरह से काम करता है, एक जैसा है ये तीनों, ये वाला और ये वाला और ये लास्ट वाला, ये तीनों एक जैसा काम करता है, और ये दोनों जो है ये दोनों एक जैसा काम करता है, मतलब कैपिटल लायबिलिटीज और रेवेन्यू एक जैसा काम करता है, एक्सपेंस और एसेट्स एक जैसा काम करता है। ठीक है, अब आते हैं देखिए ध्यान से, कैपिटल अगर इंक्रीज होगा, कैपिटल क्या होगा इंक्रीज होगा, इंक्रीज का देखिएगा एरो ऐसे दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ है ना ऊपर एरो, यहां पे ऐसे एरो दिया हुआ है, तो अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको कहां लिखेंगे क्रेडिट में, ये आपको याद करना होगा। कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे क्रेडिट में, और वहीं पे उसका अपोजिट अगर डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा हम लोगों का कैपिटल, कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे डेबिट में। तो जिस तरह से कैपिटल का वर्क हो रहा है उसी तरह से हम लोग का लायबिलिटीज का भी, देखिए लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट, उसी तरह से रेवेन्यू का भी, देखिए रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट सॉरी क्रेडिट और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, इसी तरह से हम लोगों का काम होगा। अब आते हैं एक्सपेंस और एसेट्स की बात करते हैं, इस दोनों इस ये जो तीन है एक दो और ये वाला लास्ट वाला तीन, इस तीनों का जो काम हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट उल्टा में इस दोनों का काम होगा। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, इंक्रीज हुआ एसेट्स तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। समझ में आ रही है। आज आप लोगों को हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, आज बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आप लोग को एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम रह जाए
तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम लग गया, कि ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, और आपको ख़राब लगेगा तो ज़रूर ख़राब बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आगे के वीडियो में इम्प्रूव कर सके वो चीज़ को। क्वालिटी कैसा है वीडियो का सारा चीज़ बताइएगा हमको, और क्या कितना परसेंट आपको समझ में आया वो सब सारा चीज़, क्योंकि आप लोगों का आज का जो क्लास था वो एक न्यू क्लास था, आप एक न्यू क्लास में एंट्री किए हैं, तो आपको कहीं ना एक नया चीज़ देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरा तो 100% था कि हमने अपनी क्लास को 100% दिया समझाने के क्रम में, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो को पूरा वायरल कर दीजिए, जो भी छात्र हैं सभी के पास ये पहुंचना चाहिए, कॉमर्स के जो भी छात्र हैं और ख़ास करके जो कोसी जोन में जो बच्चे हैं उस बच्चे तक पहुँचाइए ये वीडियो को, ताकि वो वीडियो को देखे अच्छे से समझे कि कॉमर्स है क्या आखिर में, और अच्छे से समझें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।